ओके तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वापस आ गए हम लाइफ ऑफ एन ईस्पोर्ट्स प्लेयर का अपडेट लेके। तो आज है लाइफ ऑफ एन ईस्पोर्ट्स प्लेयर का डे 162। तो हाँ, आज की अगर बात किया जाए, हम लोग स्क्रिम्स खेले जो पेट था, और आज फ्री स्क्रिम्स भी खेले, मतलब जिसमें वो था मतलब लाइन अप वन और लाइन अप टू, ताकि अलग अलग मतलब दोनों ही अलग अलग स्क्रिम्स खेल पाए। एक सेम स्क्रिम में मतलब फ्री स्लॉट और पेड स्लॉट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो अलग अलग एकदम बुक किया था हम लोगों ने। आज एकदम इक्वल अमाउंट ऑफ स्क्रिम्स खेला, लाइन अप वन लाइन अप टू। और बड़ा अपडेट है कि आज हम दोपहर को लाइक 1:45 PM को हम लोगों का ग्रुप 71 था BGMS का, तो उसमें मतलब नेक्स्ट राउंड पर क्वालिफाई होने के लिए हमको टॉप टू आना था, प्लेसमेंट पॉइंट्स प्लस किल पॉइंट्स, उसमें पॉइंट्स टेबल में टॉप टू आना था, जो कि हम नहीं आ पाए। तो गलत सीन हो गया था थोड़ा सा, लाइक मैच एकदम रोटेशन वगैरह सब अच्छा गया, फाइट वगैरह हम लेने वाले थे, लेकिन हम लोग सैंडविच हो गए दो पार्टीज के बीच में, गलत सीन हो गया था उधर, तो वहाँ पर कुछ करने लायक था नहीं, वहाँ पर मर गया। लेकिन एक चीज़ अगर मैं कर पाता कि बंदा लाइक जब नॉक किया हमारे टीममेट को, मतलब नोवा को नॉक किया, तब गाड़ी लेके मैं अगर उनके पीछे चला जाता एक कवर में जाके उनको सप्रेस कर देता, तो कुछ नहीं जाता, नोवा रिवाइव आ जाता और मैं नॉक्स भी निकाल सकता था। तो ये अगर करता अच्छा होता, नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगा कि ये सब करना है ऐसे, एक टीम के ऊपर पुश कैसे मतलब स्टॉप करना है, या फिर उनको कैसे लाइक एक प्रॉब्लम में डालना है टीम को नहीं डाल के, तो ये सब ठीक से याद रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बात किया जाए पर्सनल प्रैक्टिस का, ट्रेनिंग राउंड्स किया मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहा था मैं, और रात तक खेला स्क्रीम्स खेल के, थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह भी किया, क्लासिक मैचेस, फिर रूम खेला, अल्टीमेट एरिना का 1v1 किया, TDM का 1v1 किया, कृष्णा के साथ किया, मतलब बस ऐसे ही बैठे थे, वो कर लिया हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगा। तो उसके बाद अगर बात किया जाए तो कल का अपडेट, एक सेकेंड रुक जाना, आज एक इतना बड़ा सीन हुआ ना, आज इतना बड़ा सीन हुआ कि हम लोगों ने पेड स्लॉट लिया, लाइन ऑफ वन जिसमें घुसा उसमें लाइन ऑफ वन को किक कर दिया, लाइक पहले से हमारे स्लॉट में बंदे लोग बैठे थे, उसमें लाइन ऑफ वन हम लोगों को बैठने वाला था, हम लोगों ने लिखा कि उनको किक करो, हमको किक कर रहे हो यार, हम लोगों को किक कर दिया। एक वो लेके एक बड़ा बवाल होने वाला है कल, रिप्लाई दिया एडमिन ने, वो बोल रहे कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो मतलब ये मैनेज नहीं कर रहा था, उसका दोस्त कर रहा था, तो क्या यार मतलब पेड स्लॉट है, हम पैसे दे के खेल रहे हैं और हम ही किक हो रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना होता है, उससे बात करना पड़ेगा, मैं बात करूँगा उससे, अभी रात हो चुका है, थोड़ी देर पहले उसने रिप्लाई किया था, और अभी देख रहा ऑफलाइन है, तो देखता हूँ कल बात करूँगा मैं ये सब लेके। लाइक ठीक है, पैसा फिर 10 रुपये दे दिया मैंने, स्लॉट खरीद लिया, सब ठीक है, सब वो सब मान लिया, लेकिन ऐसा हम घुसेंगे, अपना स्लॉट है ठीक है, तो उसमें से किक मार दे रहे हम लोग, कोई किक मार रहा है, कोई दूसरा के बैठा है, ये सब नहीं, लाइक ये सब क्या है, ये सब नहीं चलता यार, ये देख के करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो बताना पड़ेगा उनको कि ठीक से यार मैनेजमेंट वगैरह ठीक से देखने को, और लाइक अगर किक मारते हैं तो रैंडमली रिक्वेस्ट से किक नहीं मारना, देख के किक मारने का कि कौन सा स्लॉट कौन से टीम के नाम पे है और कौन सा टीम वहाँ पर बैठा है, ये सब देख के थोड़ा सा। तो बस यही है आज के लिए अपडेट, ज़्यादा कुछ अपडेट देने लायक है नहीं, BGMS पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसमें थोड़ा सा वो तो अपडेट आपको दे ही दिया। और अपकमिंग टूर्नामेंट्स है बहुत सारे, 9 स्पोर्ट्स का है, और एक टूर्नामेंट में हम लोग क्वालिफाई किए थे, मतलब नाम भूल गया मैं उसका, से उसका सेकेंड राउंड भी आने वाला है, उसके बाद G2G का भी है टूर्नामेंट आने वाला है 100K का, उसमें सब में हम रजिस्टर्ड हैं, सब में मतलब थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं हम लोग यार, लाइक अगर उठना है तो किसी ना किसी टूर्नामेंट से अच्छा परफॉर्म करके उठना पड़ेगा, एक ऐसे राउंड 1 राउंड 2 में जा रहे, राउंड 3 तक मैक्सिमम, राउंड 3 के ऊपर हम उठ नहीं पा रहे, ये होगा तो नहीं चलेगा, किसी मतलब टूर्नामेंट में फाड़ के जाना है, किसी एक टूर्नामेंट में फाड़ के जाना है तो मतलब एक मौका तो आ ही जाएगा, और एक मौका अगर आएगा ना, हम लोग अगर एक बार उठ पाएंगे, जो किंग हमेशा बोलते हैं, अगर हम एक बार उठते हैं ना तो नीचे लाना बहुत मुश्किल होगा, हमको नीचे नहीं ला पाएंगे, हम होल्ड करके रखेंगे पोजीशन, बस ये उठने का जर्नी बहुत लंबा चलने वाला है, अगर और
हम डिटरमाइंड हुए कि अगर 5-10 साल भी लगे ना, 10 साल नहीं लगेंगे, बस ऐसे ही बोल दिया, लेकिन जितना भी टाइम लगता है हम उठ के छोड़ेंगे, हम उठेंगे। लाइक इतना मेहनत किया, 3 साल से ऐसे मेहनत कर रहे, तो मेहनत मैं नहीं बोलूँगा कि 3 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बीच में थोड़ा सा फटक गया था, बीच में गंदा सीन हो गया था, तो फिर से जब मैं वापस आया, अभी जब इतना मेहनत कर रहा हूँ, डेडिकेशन है, अभी मैं बोलूँगा नहीं कि मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ, और ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि एकदम 100% डेडिकेशन के साथ, नहीं, बीच बीच में मेरा बहुत ब्रेक होता है, मेरा बहुत ब्रेक हो जाता है, लेकिन करना पड़ेगा यार। जब अभी अभी भी स्टिक कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर में भी स्टिक करने वाला हूँ, ये छोड़ूंगा नहीं, मैं उठूँगा। तो यही बस एक प्रॉमिस है आप सबसे, मिलते हैं आप सबसे NDA 163 विद न्यू अपडेट्स, एंड यप, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, और अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हो तो फिर गुड नाइट, सुबह देख रहे हो तो फिर गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी डोप एरराई साइनिंग आउट फॉर टुडे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और अगर किए हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और ज़रूर से आपको रिप्लाई मिलेगा हमारी तरफ से, थोड़ा सा लेट मिल सकता है लेकिन मिलेगा जरूर से। तो फिर मिलते हैं कल, एंड तब तक के लिए सी यू।